एक ऊंचे चट्टान पर जहां सूरज की किरणें काफी गर्म थी, एक औरत अपने बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उस औरत का नाम था। ओह, ये चाय कितनी कड़वी है, इसमें थोड़ा शक्कर डालो। आउच, ये जूते कितने टाइट हैं। माँ, आपकी चाय। शुक्र है। तो जैसा कि मैं कह रहा था, उसका नाम था। आह, ये कितनी गर्म है, क्या तुम मेरा मुंह जलाना चाहते हो? नहीं, मैंने सोचा इसे अभी के अभी ठंडा करके लाओ। तुम एक काम भी ठीक ढंग से नहीं कर सकते क्या? ओ, ये ढीले बेकार जूते हैं, क्या ये थोड़े टाइट नहीं हो सकते? संभल कर, मैंने आपके लिए चाय को ठंडा किया है। ये इतनी ठंडी क्यों है? ठंडी? ये तो काफी गर्म है। जैसा कि आप देख सकते हैं, उस औरत का नाम था डेम ग्रम्बल। वो हर चीज के बारे में कुड़कुड़ करती रहती थी और किसी से भी शांति से बात नहीं करती थी। इसके विपरीत उसका बेटा, जिसका नाम था फ्रियो। बर्तन को ज्यादा जोर से मत घिसना। ओह, पर अगर धीरे से घिसोगे तो वो अच्छे से साफ नहीं होंगे। इतनी सारी परेशानियां हैं। फ्रियो बहुत ही नर्म और चंचल था, उसकी माँ से बिल्कुल उलट, क्योंकि छोटी छोटी चीजों में भी वो खुश रहता। अब जब डेम ग्रम्बल दुनिया से नाखुश थी, उसे बस एक ही चीज से प्यार था। ये था एक लंबा और मजबूत सेब का पेड़। हर साल वो उसके फूलों का इंतजार करती। पता है क्यों? क्योंकि इस पेड़ में जादू था। गुड मॉर्निंग एप्पल ट्री। डेम ग्रम्बल, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम क्या यहाँ चांदी के लिए आई हो? पता है, पेड़ के फूल झड़ने पर वो चांदी के सिक्कों में बदल जाते थे, पर डेम ग्रम्बल इससे भी खुश नहीं थी। चांदी से ज्यादा मैं सोने के सेब ले जाना पसंद करूंगी। मैं सोने के सेब कभी नहीं उगा सकूंगी। अगर तुम्हारे फूल चांदी के हैं, तो फल जरूर सोने के होंगे। तुम उन्हें तभी उगा सकोगी अगर वो बेकार नॉर्थ विंड दखल ना दे और अपनी टांग ना अड़ाए। बिल्कुल, डेम ग्रम्बल का एक ही शातिर दुश्मन था जो उसके और फूलों के बीच आड़े आ रहा था। वो था वो विशाल नॉर्दर्न विंड। ऐसी हो डेम ग्रम्बल, तुम कुड़कुड़ाने में बहुत माहिर हो। मुझे अपनी परेशानी बताओ और मैं उसे दुगना कर दूंगा। नहीं, तुम मेरे प्यारे फूलों को नहीं छीन सकते। और तुम उन्हें यूं ही कैसे ले जा सकते हो? तुम्हें इस तरह गुस्सा और तिलमिलाता हुआ देखकर बड़ा मजा आ रहा है। तुम क्रूर, बेकार, परेशान करने वाले। नॉर्थ विंड ने उसे आगे बोलने का मौका ही नहीं दिया। वो एक नटखट और शरारती बंदा था, और इसलिए उसने उसे इतना तंग किया कि वो सीधे अंदर ही चली गई। फिर मिलते हैं डेम ग्रम्बल, अगली बार लाना टोपी साथ ताकि खेले हम साथ साथ। और इस तरह गुहार लगाकर वो चला गया, और डेम ग्रम्बल के गुस्सा होने के बावजूद उसके सारे फूलों को साथ ले गया। उसने थोड़े बहुत बचा लिए थे जो अब चमकदार चांदी के सिक्कों में बदल गए थे। फ्रियो, अपना डब्बा ले आओ, मुझे इन सिक्कों को रखना है। फ्रियो हाथ से बनाया हुआ एक सुंदर बक्सा अपने साथ लेकर आया। आपको बता दूं कि उसने इसे खुद ही बनाया था। डब्बा अगर थोड़ा बड़ा होता तो कुछ ज्यादा सिक्के आ जाते। पता नहीं ये सब क्यों होता है। माँ, अगर तुम मुझे जाने दो दुकान पर और अपने लिए लकड़ी लाने दो तो क्या? अपने शौक के लिए? और इससे हमारा क्या भला होगा? हमारा क्या होगा? हम वैसे भी किसी चीज की कमी नहीं है मम्मा, तो जो है उससे संतुष्ट क्यों नहीं हो? संतुष्ट? मुझे सिर्फ संतुष्ट नहीं होना है। अगर मुझे सोने के सेब मिल जाते हैं तो हम आराम की जिंदगी जी सकते हैं। डेम ग्रम्बल मुड़कर चली गई और बेचारा फ्रियो भी मुंह लटकाकर चला गया। उसे लकड़ी तराशने के लिए किसी ने भी नहीं सिखाया था, पर वो उसमें काफी माहिर था। वो अपने काम को इतने लगन और जटिलता के साथ करता था कि उसका काम काफी शाही लगता था, पर उसकी माँ को ऐसा नहीं लगता था। और अगर उसकी माँ को लकड़ी लाना याद होता तो उसका काम हो जाता। कई दिनों तक डेम ग्रम्बल यही सोचती रही कि फूल को कैसे सुरक्षित रखा जाए। वो बेकार नॉर्थ विंड, उन्हें बचाने का कोई तो रास्ता होगा, वरना मुझे वो सोने के सेब कभी नहीं मिल पाएंगे।
अचानक उसे कुछ दिखा जिससे उसे एक आइडिया आया और उसने बाजार में जाने का फैसला किया। फ्रियो ने उसे देखा। मम्मा क्या बाहर जा रही हैं? क्या आप मेरे लिए बाहर से थोड़ी लकड़ी लाएंगी? फ्रियो, अगर तुम इतने अच्छे कारीगर हो तो क्यों ना तुम कुछ ऐसा बनाओ जिससे फूल सुरक्षित रह सके। जब मैं वापस आऊँ तो चाय तैयार रखना। वो बाहर आई और उस हैरान सेब के पेड़ की तरफ देखकर हंसने लगी और सभी चीजों पर कुड़कुड़ाते हुए वहाँ से चली गई। अजीब बात है। ओ फ्रियो, तुम्हारी माँ क्या करने वाली है? मुझे पता नहीं। आप कैसी हो सेब की पेड़? मैंने आपको काफी बुरा भला बोला। अरे कोई बात नहीं मेरे बच्चे, तुम बहुत ही दयालु हो। काश तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह ही होती। जब शाम हुई तो डेम ग्रम्बल एक मजबूत रस्सी के गट्ठे के साथ वापस लौटी। फ्रियो, मैं आ गई। मेरी चाय कहाँ है? ये रही मम्मा। वाह, बहुत गर्म है। इतने ऊपर तक चलने के बाद मैं ये नहीं पी सकती हूँ। पर आप मुझे कुछ ठंडा ला कर दो। फ्रियो ने देखना चाहा कि उसकी माँ लकड़ी लेकर आई है कि नहीं। लगता है कि माँ भूल गई। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? देखो, सेब के पेड़ को बांधने के लिए मैं ये मजबूत रस्सी लेकर आई हूँ। क्या? फ्रियो सख्ते में आ गया। ऐसा नहीं करने के लिए फ्रियो ने अपनी माँ को मनाने के लिए काफी कोशिश की। इस तरह से सेब के पेड़ को परेशानी हो जाएगी। क्या आप विंड से नरमी से बात नहीं कर सकती हो? बहुत ही बेवकूफ हो तुम। नहीं, मुझे जैसा ठीक लगेगा मैं वैसा ही करूंगी। और इस तरह उसने कई गज जाल बुन डाला। जब उसका काम हो गया तो उसने जाल को उस बेचारे सेब के ऊपर डाल दिया। ओह, ये क्या है? क्योंकि तुम अपने फूलों की देखभाल नहीं कर सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए कर देती हूँ। अब नॉर्थ विंड इसे हाथ भी नहीं लगा सकेगा। क्या किसी ने मुझे बुलाया क्या? डेम ग्रम्बल, तुम मुझे क्या समझती हो? तुम्हें क्या लगता है कि इस मामूली जाली का मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता? जाली बहुत मजबूत है और अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। लगता है कि तुम्हें मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। और एक लंबी सांस के साथ जिस जाल पर डेम ने इतनी मेहनत की थी वो एक पत्ते की तरह हवा में उड़ गया। उसका दिल बैठ गया जब उसने देखा कि किस तरह जाल और फूल हवा में उड़ गए हैं। कुछ दिनों बाद वो और भी ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई। मम्मा, क्या तुम ठीक हो? बहुत हुआ, मैं बाहर जाऊंगी और उन सब सिक्कों की तलाश करूंगी जो नॉर्थ विंड ने मुझसे चुराए थे। क्या? पर आप जाओगी कहाँ? मुझे नहीं पता, पर मैं बस ऐसे ही नहीं बैठे रहूंगी कि कोई मेरी चांदी चुरा ले जाए। फ्रियो ने उसे मनाने की कोशिश की पर वो नहीं मानने वाली थी। काश मेरा एक ऐसा बेटा होता जो ज्यादा आज्ञाकारी और होशियार होता। मुझे पहले ही वो सेब मिल जाते। अब तुम यहीं पर रहो और घर की देखभाल करो। अगले फूल उगने तक मैं वापस आ जाऊंगी, समझे? और ये कहते ही उसने अपना बैग लिया और अपने सफर पर निकल पड़ी। उस शाम बेचारा फ्रियो पूरे घर में अकेला था। उसे ये शांति रास नहीं आ रही थी क्योंकि उसे अपनी माँ की कुड़कुड़ाहट सुनने की आदत हो चुकी थी। वो बाहर चला गया। फ्रियो। हेलो सेब के पेड़। क्या हुआ, कुछ परेशानी है? वैसे काश मैं लकड़ी खरीद कर तराशना शुरू कर सकता था। मेरे पास इतने सारे आइडियाज हैं, पर माँ ने सारी चांदी ले ली और जंगल में जाना बहुत खतरनाक है। क्या करूँ? ओह, तो फिर तुम इन दोनों टहनियों को खुद के लिए क्यों नहीं ले लेते? तुम इन्हें आसानी से तोड़ सकते हो। पर मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। कुछ नहीं होगा, ऐसा करना मेरे लिए भी अच्छा होगा क्योंकि जब तुम इन्हें काट दोगे तो नई टहनियाँ उग जाएंगी और वो भी अच्छे वाली। सच में? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। तुम मेरे प्रति इतने दयालु रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। और फिर खुशी खुशी फ्रियो ने दो लंबी और मजबूत टहनियों को काट दिया
और जल्दी से उसने कुछ नई चीजों को तराशना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए और उसने कड़ी मेहनत की। कोई भी उसका मजाक या तिरस्कार उड़ाने वाला नहीं था और जब उसका काम हो गया उसने अपने काम पर काफी गर्व महसूस किया। जरा ये तो देखो, मैंने तो कमाल कर दिया, पर मैं इस सब का क्या करूं? क्या मैं इसे बेच दूं? फ्रियो ने ना सिर्फ अपनी हस्तकला को बेचने के बारे में सोचा, पर उसकी माँ ने इस कदर उसका अपमान किया था कि उसने कभी इसे बेचने के बारे में सोचा तक नहीं था। तो इस बार पक्के इरादे के साथ उसने सबसे बढ़िया हस्तकला का नमूना लिया और बाजार की तरफ निकल पड़ा। हेलो। अरे कैसे हो फ्रियो, क्या तुम अकेले आए हो? मैं सोच रहा था कि अगर आप मेरे लिए इन्हें बेच सको। दुकानदार ने फ्रियो के काम को जांचा और वो हैरान रह गया। अरे फ्रियो, ये तो कमाल के हैं। क्या तुमने ये बनाए हैं? मैंने बनाए। क्या आप इन्हें बेच सकते हैं? बिल्कुल, एक काम करो, तुम कल आ जाओ, मैं तुम्हें बता दूंगा कि किसी ने इसे खरीदा कि नहीं। तो अगले दिन के बारे में सोचकर फ्रियो खुशी खुशी वहां से चला गया, पर कुछ ही घंटों में ग्राहकों की नजर उन पर पड़ने लगी और सबने उसे खरीदना शुरू कर दिया। तो अगले दिन जब फ्रियो वहां पर आया उसने देखा कि उसकी सारी कृतियां बिक चुकी हैं। फ्रियो, तुम्हारी तक्षकला लोगों को इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुरंत ही खरीद ली। ये लो तुम्हारे पैसे। अरे वाह, क्या 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 लोगों को ये सच में पसंद आई? बेटा, सब कुछ बिक जाने के बाद भी ग्राहक पता करने आ रहे थे कि कुछ बचा है कि नहीं। अगर तुम और ला सको तो मैं उन्हें शौक से बिकवा दूंगा। फ्रियो काफी हल्का महसूस कर रहा था, वो बहुत खुश था, पर उसने खुद को शांत किया और सोचा, अगर मैं और लकड़ियों का इंतजाम कर लूं तो सामान बेच के मैं खुद और माँ के लिए पैसे कमा सकता हूँ। और इस तरह फ्रियो और बहुत सारी कमाल की लकड़ी की कृतियां बनाकर उन्हें बेचने लगा। वो हद से ज्यादा खुश था। काश माँ जल्दी घर वापस आ जाए। उसने सेब के पेड़ की तरफ देखा जो पूरी तरह खिल चुका था। फ्रियो नॉर्थ विंड के प्रति इतना अच्छा था कि उसने पेड़ को हाथ भी नहीं लगाया। उन्हें कितनी खुशी मिलेगी और उन्हें कितना गर्व होगा मुझ पर। कहीं दूर डेम ग्रम्बल अपने सफर से तंग आ चुकी थी, हालांकि उसका चिड़चिड़ापन कम नहीं हुआ था। इस बिस्तर की वजह से मेरी पीठ दुख रही है। कल मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी और मुझे एक सिक्का भी नहीं मिला। उम्मीद करती हूँ कि उस मूर्ख फ्रेयो ने मेरे पेड़ को सुरक्षित रखा हो।